दोस्तों आप हमारे हाथ में देख रहे हैं ये सैमसंग E1200Y का मोबाइल है और इस मोबाइल में बता दूं दोस्तों मैं आपको कि ये मोबाइल जो पूरी तरह से बिल्कुल डेड है और इस मोबाइल में अगर हम बैटरी लगा के और USB डाटा केबल को लगा के अगर अपने कंप्यूटर से हम कनेक्ट करेंगे इस मोबाइल को तो ये मोबाइल जो हमारे डिवाइस मैनेजर से जो है बूट नहीं करेगा, इसका जो कोई भी ड्राइवर वहां पे शो नहीं कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों इस मोबाइल को मैं आपको आज रिपेयर करने के बारे में बताऊंगा अपने मेडिकल बॉक्स से कि किस तरह से आप जो है कौन से केबल से इस मोबाइल को बूट करा सकते हैं अपने मेडिकल बॉक्स से और किस तरह से आप उस केबल के माध्यम से अपने मेडिकल बॉक्स से इस मोबाइल को जो है आप फ्लैश कर सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। आप सोचेंगे सब्सक्राइब करने से क्या होगा, दोस्तों मैं आपको बता दूं अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप हमारे अगली वीडियो को देख सकेंगे। अगर आप कंप्यूटर पर देख रहे हैं तो यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप मोबाइल पर देख रहे हैं वीडियो तो वीडियो के नीचे यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस सब्सक्राइब बटन के बगल में एक बेल आइकन होता है घंटी जैसा, उस घंटी पर अगर आप क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगी और आप हमारी अगली वीडियो को देख सकेंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों पहले जान लेते हैं कि हमें जो है इसका जो बूट रिपेयर करना है, इस मोबाइल को जो हमें ऑन करना है, फ्लैश करना है, कैसे करना है। दोस्तों मैं आपको दिखा दूं सामने, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो केबल आप देख रहे हैं ये ऐप बस केबल है। ठीक है, ये केबल जो है UFS 3 बॉक्स में लगता है, टर्बो फ्लैशर में लगता है, समझे ना। तो ये केबल जो है, इस केबल के माध्यम से मैं आपको आज दिखाऊंगा कि किस तरह से आप अपने सैमसंग 1200Y को जो है आप अपने मेडिकल बॉक्स से इसे बूट करा सकते हैं और इसे जो है आप फ्लैश कर सकते हैं। इस केबल को आपको अपने मेडिकल बॉक्स में आपको लगा देना है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको उस मोबाइल को दिखाते हैं जिस मोबाइल का हमें बूट रिपेयर करना है, जिस मोबाइल को हमें फ्लैश करना है मेडिकल बॉक्स से इस ऐप बस केबल के जरिए से। तो आप यहाँ पहले इस मोबाइल को देख लें कि ये मोबाइल जो है बिल्कुल डेड है, पूरी तरह से ये मोबाइल जो है बिल्कुल ऑन नहीं हो रहा है। चलिए हम आपको इसे ऑन करके दिखाते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये मोबाइल जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है डेड है, ये मोबाइल जो ऑन नहीं हो रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इस मोबाइल को हमें बूट कराने के लिए हमें इस मोबाइल का जो है बैटरी बिल्कुल निकाल देना है इस मोबाइल का, और बैटरी निकालने के बाद हमें जो ये केबल है, ये केबल इसमें जो हमें कनेक्ट कर देना है इस मोबाइल में। तो चलिए दोस्तों मोबाइल को बूट कराने से पहले हम अपने मेडिकल टूल को ओपन कर लेते हैं। जैसे हमारा मेडिकल टूल ओपन होता है उसके बाद हम आपको बताएंगे कैसे हमें इस मोबाइल को जो है बूट कराना है अपने मेडिकल टूल से। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेडिकल टूल है वो ओपन हो चुका है। चलिए हम आपको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझाने के लिए हम आपको एक तरफ जो है मेडिकल टूल दिखाते हैं और एक तरफ जो हम आपको मोबाइल का जो है और मेडिकल बॉक्स का जो है तस्वीर आपको यहाँ पे एक साथ जो है दोनों को हम आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमें यहाँ पे जो ये केबल है, यहाँ पे इस केबल को हमें जो है अपने इस मोबाइल से कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद इस मेडिकल बॉक्स का जो पावर सप्लाई वाला जो वायर है माइनस प्लस का, इस वायर को हमें इस बैटरी कनेक्टर पर माइनस प्लस पर जो है लगा देना है। उसके बाद हमें अपने मेडिकल बॉक्स में आ जाना है, अपने मेडिकल टूल में आ जाना है। मेडिकल टूल में आने के बाद हमें यहाँ पे USB पिन आउट पे हमको जो है क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि USB स्कैन इस पर हमें चेक लगा देना है। उसके बाद हमें यहाँ पे जो है रजिस्टर पे चेक लगाना है, क्लिक करना है। जैसे हम रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसका जो यहाँ पे बूट यहाँ पे दिखाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये बूट बिल्कुल नहीं दिखाएगा क्योंकि जो इसका बूट जो बिल्कुल डेड है पूरी तरह से, ये बिल्कुल नहीं दिखाएगा। तो दोस्तों इसे यहाँ पे बूट कराने के लिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हमें कैसे बूट कराना है। अब यहाँ पे हमें बूट कराने के लिए हमें क्या करना है कि ये जो मेडिकल बॉक्स का जो वायर है
प्लस माइनस का, इस वायर को हमें यहाँ से जो है मोबाइल से निकाल देना है और केबल लगा हुआ रहना चाहिए, ठीक है। केबल बिल्कुल पूरी तरह से अच्छी तरह से लगा रहना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यहाँ पे ओके बटन है यहाँ पे, ठीक है। इस बटन को हमें जो है एक साथ जो है दबा के रखना है जब तक हमारा मोबाइल बूट ना करे। किसी भी उंगली से हम इस बटन को जो है एक साथ दबा के रखेंगे, कंटिन्यू दबा के रखेंगे उस बटन को। उसके बाद हमें यहाँ पे बैटरी लगाना है और हम बैटरी लगाएंगे तो हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट करेगा। अगर मान के चलिए हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट नहीं करता है तो फिर से दोबारा हमें बैटरी निकालना है। अब बैटरी निकालने के बाद फिर से हमें उस बटन को ओके बटन को दबाना है और फिर से बैटरी लगाना है। जब तक हमारा मोबाइल बूट ना करे तब तक हमें यह प्रोसेस करते रहना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो यहाँ पे बूट कर चुका है, इसका जो यहाँ पे पिन आउट यहाँ पे दिखा रहा है हमारे मेडिकल टूल में। उसके बाद हमें यहाँ पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद हमें अपना जो फ्लैश फाइल जो है सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। हमारा जो फ्लैश फाइल है इस सैमसंग मॉडल 1200Y का, उस फ्लैश फाइल को हमें अपने जो कंप्यूटर से हमें सिलेक्ट कर लेना है अपने मेडिकल टूल में। उसके बाद हमें स्टार्ट बटन पर क्लिक करना है और जैसे हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे तो फिर से हम अपने मोबाइल का जो बैटरी को जो है निकालेंगे। उसके बाद वो जो ओके बटन है उसे हमें कंटिन्यू दबा के रखना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ओके बटन, इस बटन को हमें कंटिन्यू दबा करके रखना है और दबाने के बाद हमें बैटरी जो है लगा देना है। जैसे हम बैटरी लगाएंगे हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट करेगा ऑटोमेटिक। अगर हमारा मोबाइल यहाँ पे बूट नहीं करता है तो फिर से हमें बैटरी निकालना है, ठीक है। और फिर से बैटरी निकालने के बाद फिर से हमें उस ओके बटन को दबाना होगा कंटिन्यू, और तब तक दबा के रखेंगे जब तक हमारा मोबाइल जो है बूट नहीं कर जाएगा। तो ओके बटन को हमको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। उसके बाद हमें अपने बैटरी लगाना है। बैटरी जैसे हम लगाएंगे हमारा मोबाइल बूट करेगा। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे यह बूट कर रहा है फिर छोड़ रहा है, ठीक है। लेकिन हमें कोशिश करते रहना है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है बूट कर चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ फेल हो गया। दोबारा फिर से हमें जो है इसी तरह से कोशिश करना है। दोस्तों हमें हार नहीं मानना है और हर हाल में हमें जो है मोबाइल को बूट कराना है और फ्लैश करना है। तो चलिए हम फिर से दोबारा जो यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा मोबाइल जो है बूट कर चुका है और हमारा जो फ्लैशिंग भी है ये चालू हो चुका है। तो दोस्तों जब तक हमारा ये फ्लैशिंग कंप्लीट नहीं होता तब तक आप इस वीडियो को देखते रहें। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो ये मोबाइल है जो बिल्कुल पूरी तरह से डेड था, ये इसका ये मोबाइल जो सैमसंग 1200Y, तो ये मोबाइल जो फ्लैशिंग होने के बाद कंप्लीट फ्लैशिंग होने के बाद हमारा ये मोबाइल जो ओके होता है या नहीं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा मोबाइल जो 100% बिल्कुल जो है ओके हो चुका है, फ्लैश हो चुका है। चलिए हम इस मोबाइल को बैटरी निकाल देते हैं फिर से और फिर से बैटरी लगा के इस मोबाइल को हम ऑन करके देखते हैं कि हमारा ये मोबाइल ऑन हो चुका है नहीं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारा ये मोबाइल ऑन हो चुका है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आपके किसी काम आया तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें फेसबुक व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों के साथ। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।